हेलो एवरीवन वेलकम बैक आज की क्लास में हम माय मदर एट सिक्सटी सिक्स के ट्वेंटी इम्पोर्टेंट स्टैंड एलोन एम की प्रैक्टिस करेंगे साथ ही साथ अपनी एबिलिटी को भी चेक करेंगे आउट ऑफ ट्वेंटी आप कितना स्कोर कर पाए वन मोर थिंग कितना स्कोर किया मुझे भी कमेंट बॉक्स में आपको राइट करना है वॉट इज द थीम ऑफ द पोएम माई मदर एट सिक्सटी सिक्स पोएट्स फियर्स Poet's love for her mother, theme of old days, all of these. Select your option. You have 10 seconds in your hand. Yes, you can. Option A, B, C or D. So right option is option D. The image of married children in the poem is created to to show energy and exuberance of young children, to show the children playing, to show the children playing pranks to compare with herself select your answer right answer is yes option a the narrator displays fake smile to cover up her pain make herself happy to make her mother happy to make both happy your time starts tick 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 tick, tick. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए कवर अप हर पेन इज द पोएटिक डिवाइस यूज इन ट्रीज स्प्रिंटिंग सिम्बली एलिटरेशन पर सोनिफिकेशन यस गैस योर आंसर ट्रीज स्प्रिंटिंग सो राइट ऑप्शन इज यस यू हैव डन ऑप्शन सी परसोनिफिकेशन स्प्रिंटिंग मींस short fast race driving car mm, playing tricks running around trees your time is going on sprinting means so right option is option a short fast race what do the poet's parting words see you amma soon imply poet's carelessness poet is in hurry poet's way of bidding goodbye poet's optimistic farewell full of cheerfulness yes select your option and i hope you can select the right option so match your answer right option is option d poet's optimistic farewell full of cheerfulness trees is printing, and merry children is playing is an attempt by the poet to create suspense laughter visual imagery chaos which one I know that it is something difficult but try to attempt it by fluke to yes so right answer is visual imagery option C The mood in the last two lines is that of regret guilt anger, एक्सेप्टेंस ऑफ रियालिटी यस कैसा मूड था पोइट में लास्ट की टू लाइन्स में याद आया आई नो आपका ऑप्शन सही है ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन कोट एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिम्बली यूज इन द पोएम फैमिलियर एक्ट लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स वैन एंड पेल द मैरीज चिल्ड्रेन इन चारों में से किस में सिम्बली जो ये फिगर ऑफ स्पीच है यूज़ किया गया है ट्राई इट्स वेरी इजी सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हु लिव्स एट कोचिंग पोएट हर पेरेंट्स बोथ ए एंड बी आई मीन पोएट एंड हर पेरेंट्स और नन ऑफ देम यस कन्फ्यूजन नथिंग टू कन्फ्यूज चूज योर आंसर सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए पोएट पोएट से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे इन विच लैंग्वेज हैज़ कमला दास रिटर्न स्टोरीज एंड नॉवल्स इंग्लिश एंड तमिल इंग्लिश एंड हिंदी इंग्लिश एंड बंगोली इंग्लिश एंड मलयालम यस कन्फ्यूजन अरे ये तो हमने प्रिपेयर ही नहीं किया प्रिपेयर करना है बचा पार्टी so right option is english and malayalam option d what is her work known for for its style for the expressions used for the poetic devices used for its originality versatility and flavor of the soil which one yes guess option डी द पोयम इज मेड अप ऑफ ट्वेंटी लाइन्स आ सिंगल सेंटेंस टेन स्टैंड फाइव स्टैंड अरे ये तो अटेंशन ही नहीं किया विच वन सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी आ सिंगल सेंटेंस स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल Is alliteration, repetition, simile, metaphor? Yes, guess it. So simple. Smile, smile, and smile. What's happening in this? Yes, your answer is right. I know that one. So, option B is correct. Option repetition. Kamala Das was a Bengali, Punjabi, Keralite, Gujarati. गड़बड़ हो सकती है थिंक बिफोर यू चूज योर आंसर सोच समझ के आंसर टिक करना यस ऑप्शन सी कैरेलाइट नेम द पोएटिक डिवाइसेस यूज़ इन द पोयम पोएम में कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ की गई है मेटाफर सिमली एलिट्रेशन ऑल ऑफ दीज यस वेरी इजी क्वेश्चन यू कैन आंसर प्लीज सो राइट ऑप्शन इज मेटाफर सिम्ली एलिट्रेशन ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी वॉट डज एशन फेस सिग्निफाई कलर ऑफ फेस फेस इज कवर्ड विद एश टू शो अगली फेस पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोएट्स मदर ऑप्शन देख कर ही समय में आ रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बचा पार्टी सो यू हैव सेलेक्टेड सो राइट ऑप्शन इज यस द लास्ट वन ऑप्शन डी वॉट डू द रनिंग ट्रीज सिग्निफाई फास्ट मूविंग अपीरियंस स्पीड ऑफ द मूविंग कार फास्ट मूविंग माइंड ऑफ पोएट फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्ड हुड टू ओल्ड एज ओ माई गॉड ऑप्शन को पढ़ते ही समय में आ रहा है विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन यस विदाउट एनी डिले राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी विच राइमिंग स्कीम इज़ यूज इन द पोएम कपेल्ड राइम मोनो राइम ऑल्टरनेट राइम, फ्री वर्ड्स यस विच वन? डिफिकल्ट है नॉट इजी टू आंसर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पॉसिबिलिटी है सो राइट ऑप्शन इज लास्ट ऑप्शन फ्री वर्ड्स ऑप्शन डी वॉट इज द यूनिवर्सलिटी ऑफ द थीम ऑफ द पोएम लाइफ इज ए रियलिटी दैट इज ए ट्रुथ एवरी वन इज सैड टू शो ओल्ड एज पेन इट इज द लास्ट क्वेश्चन सेलेक्ट योर ऑप्शन यस सो राइट ऑप्शन इज यस 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 ऑप्शन बी डेथ इज अ ट्रुथ सो बचा पार्टी आपने आउट ऑफ ट्वेंटी कितना स्कोर किया मुझे कॉमेंट बॉक्स में आपको जरूर राइड करना है वन मोर थिंग स्टैंड अलॉन एम सी क्यूज और एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड एमसी क्यूज सभी लेसेंस के चैनल पर आपको मिल जाएंगे स्टे इन टच So best of luck for your first time examination and god bless you all.